सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अफगानिस्तान से अब तक की, आज तक की सबसे बड़ी अपडेट लेके आया हूं और हर पॉइंट की हर अपडेट लेके आया हूं। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आपको वीडियो प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा आपका वक्त आज ज़्यादा लूंगा, लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो सारी खबर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, समझाऊंगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा आज वक्त दीजिएगा और ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा। बहुत बड़ी बड़ी खबरें इसके अंदर, इसी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, तो मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, तालिबान लगातार अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है और कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें मिल चुकी है पुख्ता जानकारी, लगभग 80% से ज़्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और वहाँ पर तालिबानी कानून भी लागू हो चुका है। सैकड़ों अफगानी फौजियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और तालिबान के आगे सर झुका दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं सबसे लेटेस्ट जानकारी, तालिबान हेलमंद के इलाके में कब्जा कर रहा था। तालिबान के लोग हेलमंद के आसपास के इलाके में लगातार अपने कब्जे को बढ़ा रहे थे। इसी बीच में अफगानिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने खतरनाक भीषण बमबारी तालिबान पर कर दी। दोस्तों कंधार इलाका है, वहां पर भी एयर स्ट्राइक किया गया है। दोनों तीनों तस्वीरें आपको बैक टू बैक दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिए कि हमले कितने खतरनाक थे तालिबान के ऊपर। दोस्तों दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं, अफगान आर्मी ने एक ड्रोन हमले के जरिए एक कार पर हमला किया, ड्रोन हमला किया कार के ऊपर और बताया बयान जारी करके कि हमने बहुत बड़ा एक हमला रोक दिया है तालिबान का, क्योंकि इस कार के अंदर, कार के ऊपर हमला हुआ है, कार के अंदर एक्सप्लोजिव था, यानी विस्फोटक पदार्थ बम था जो कि तालिबानियों ने बनाया था और किसी लोकल इलाके में या सरकारी इमारत के पास ये जाकर विस्फोट होता, जिसको ड्रोन के जरिए हिट करके अफगान आर्मी ने तबाह कर दिया। आपको बता दूं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी हेलमंद प्रांत की है। दोस्तों अब दूसरा पहलू, मैदान एक इलाका है अफगानिस्तान में, वहां पर तालिबान ने अफगान आर्मी के मिलिट्री बेस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कब्जा ऐसा कि इस कब्जे में उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि उनको अफगान आर्मी के बहुत बड़ी तादाद में हथियार मिल गए हैं। दोस्तों इसके अलावा सैदाबाद एक इलाका है अफगानिस्तान में, वहां पर भी अफगान मिलिट्री बेस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आपको यहां पर रोक के बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी आसानी से मिलिट्री बेस पर कैसे कब्जा हो रहा है। इसलिए हो रहा है भाई साहब क्योंकि अफगान आर्मी अपने मिलिट्री बेस को, मिलिट्री साइट को खुद छोड़कर भाग रही है। अफगानिस्तान की आर्मी लगभग 30% से ज़्यादा अफगान आर्मी जो है वो खुद ही एक तो सरेंडर कर दे रही है, दूसरा खुद ही बाकी जो बचे हुए लोग हैं अपने आप मिलिट्री बेस को, चौकियों को, पुलिस थानों को छोड़कर भाग जाते हैं।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये सैदाबाद की है जहां के मिलिट्री बेस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। दोस्तों आपने अब ये दो मिलिट्री साइट देख ली पूरे प्रूफ के साथ। अब मैं आपको जुर्मत प्रांत का मिलिट्री बेस दिखाने वाला हूं। ये देखिए तस्वीरें। इस मिलिट्री बेस पर भी जिस इलाके को जुर्मत इलाका कहा जाता है, जुर्मत इलाके में मौजूद अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों अब मैं आपको तालिबान की एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप ये देखिए अफगानिस्तान के मिलिट्री को, आर्मी के लोगों को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ध्यान से देखिए, विद प्रूफ दिखाऊंगा। कोई भी आपको यूट्यूबर, कोई भी चैनल आपको प्रूफ के साथ, इतने पुख्ता सबूत के साथ नहीं दिखाएगा। आपका ये दोस्त, आपका ये भाई रजाग्राफी पूरे प्रूफ के साथ दिखाएगा। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और हमारी आवाज़ को दुगना कीजिएगा। ये आप तस्वीर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये अफगानिस्तान के फौजियों को तालिबानियों ने अपने कब्जे में ले लिया। यही हाल पूरे अफगानिस्तान का है और मैं आपको लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ। बात मेन ये है कि ये वो फौजी हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था। आखिरकार सरेंडर नहीं भी किया तो तालिबान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों आज और कल के दिन में तालिबान ने कई नए डिस्ट्रिक्ट पर, नए शहरों और नए गांव और नए प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। दोस्तों हालात इतने ज्यादा खराब हैं जो इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर है। हालात इतने ज्यादा अफगानिस्तान के खराब हैं कि आखिरकार तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने अपने दूतावास को, एम्बेसीज को खुद बंद कर दिया है और अपने लोगों से ये गुजारिश करी है और उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कोई भी हमारे मुल्क का इंसान, हमारे मुल्क का बाशिंदा नागरिक अफगानिस्तान की यात्रा ना करे। ये बहुत बड़ा झटका अफगानिस्तान की सरकार को हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार को ईरान और तुर्की से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में तुर्की, ईरान और साथ में पाकिस्तान के दूतावास का अफगानिस्तान में बंद होना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दोस्तों सौ की सीधी बात यह है, तालिबान का हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अब 90% अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का एम्बेसीज को बंद कर देना इस बात का सबूत है कि तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है और उन्हीं के डर की वजह से इन तीनों देशों ने अपने एम्बेसीज को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से अपना मुंह पिटा के अफगानिस्तान से निकल तो चुका है लेकिन काफी बड़ा नुकसान झेल के, लेकिन अमेरिका वहां से निकला और जैसे ही अमेरिका वहां से निकला तालिबान ने अपना शासन लागू कर दिया। देखना यह है कि हालात और कितने खराब होते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह से प्रूफ के साथ आपको हर अपडेट कम वक्त में देता रहूंगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।